भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से लंपी बीमारी को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने अजमेर कलेक्टरेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने कलेक्टर चेंबर पर ज्ञापन को चस्पा कर दिया। पुष्कर विधायक सुरेश रावत के नेतृत्व में किसान मोर्चा और बीजेपी देहात के पदाधिकारी कलेक्टरेट पहुंचे, जिन्होंने राजस्थान सरकार पर लंपी बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अजमेर में हजारों गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं। राजस्थान में भी इसी तरह के हालात हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से कोई राहत अब तक नहीं दी गई है। ऐसे में सभी किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और आज से लेकर कलेक्टरेट में ज्ञापन दिया जाना था, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए कलेक्टर यहां तक कि ईडीएम भी इस दौरान मौजूद नहीं है। पूरा कलेक्टरेट बाबू और उनके भरोसे चल रहा है, जिसके कारण ज्ञापन को कलेक्टर चेंबर के बाहर ही पदाधिकारियों ने चस्पा कर दिया। महामहिम राज्यपाल के नाम चश्मा किए गए इस ज्ञापन में सरकार से किसानों और पशुपालकों को राहत देने की मांग की गई है। आज किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पे हमारे देहात जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय भवनलाल जी बुल्ला और शहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय करतार जी जाट और हमारे प्रधान जी और हम सभी कार्यकर्ता आज जिला कलेक्टर को हम ज्ञापन देना है, क्योंकि जिस तरह से पशुओं के अंदर बीमारी फैली और जिस तरह से सरकार को सुध लेनी चाहिए थी वो सुध नहीं ली। आज उनका छिड़काव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गाँव के अंदर डॉक्टर नहीं है, गाँव के अंदर कंपाउंडर नहीं है, गाँव के अंदर स्टाफ नहीं है और इतने किसानों को जनहानि हुई, हजारों की संख्या के अंदर पशु मर गए, उनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे भी किसान बड़ी गरीबी की स्थिति के अंदर है। आज हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिला कलेक्टर पे हम 10 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे नहीं तो जिला कलेक्टर है, न एडीएम फर्स्ट है, न एडीएम सेकंड है, न एसडीएम है, पूरा का पूरा जिला प्रशासन जिला कलेक्टर जहाँ से पूरा जिला संचालित होता है वो पूरा खाली है। सिर्फ पियोन और बाबुओं के भरोसे छोड़ रखा है। ये लच्छर व्यवस्था ये कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता दर्शाती है, किस तरह से अफसरशाही हावी है, किस तरह से यह जंगल राज है कि जिला कलेक्टर जिससे पूरे जिले का संचालन होता है या कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है पूरे जिले के अंदर, लेकिन उनको सुनने वाला आज कोई नहीं है। हम ज्ञापन देना है, 10 बजे से यहाँ खड़े, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है।